ये देखिए मैडम जो है गाड़ी रोककर बैंगन खरीद रही हैं और गाजर भी। दीदी बहुत कुछ सब्जी रखी हुई है, यहाँ से लेकर वहाँ तक सब दीदी का है। वो पार्क से निकलने के बाद हम लोग मंदिर पहुँच रहे हैं, लगभग पहुँच ही चुके हैं और मम्मी यहाँ पे सो रही हैं। नहीं आता, अब जाग गई मम्मी। और देखिए बाल कैसे बिखर जाते हैं गाड़ी में। पहुँच गए मंदिर हम लोग। I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to. बिल्डिंग दिख रहा है बहुत सारा ना, क्या है बहुत सारा बताइए, मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, सब बिल्डिंग ही है। और इधर नीचे वाली सड़क से हम लोग आए हैं होते हुए और पहाड़ पे ही ये भी मंदिर, क्योंकि झारखंड में आपको अधिकांश चीजें पहाड़ पे ही दिखेंगे। हाँ और क्या, बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम लोग रॉक गार्डन से यहाँ पे पहुँच चुके हैं रांची के जगन्नाथ मंदिर, और इस मंदिर में भी मैं पहली ही बार गई हूँ। और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है आसपास का वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे ये मंदिर है। और इस मंदिर की जो बनावट है वो पूरी तरह से जैसे पूरी वाले मंदिर की उसी तरह की है, बस इस मंदिर का साइज छोटा है, यानी कि ये थोड़ा छोटा मंदिर है और वहाँ का जो मंदिर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ से देख सकते हैं कि व्यू कितना खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जिस रोड से हम लोग आए थे होते हुए वो यहाँ से बिल्कुल पतली पतली सड़क ही दिख रही थी। तो अब हम लोग सभी लोग जा रहे हैं मंदिर में, और यही है जगन्नाथ मंदिर। तो यहाँ पे है पराह देव। और मंदिर के इस साइड में हम लोग थे क्योंकि मंदिर का पट जो है वो अभी बंद है, तो हम लोग इधर घूमने के लिए आ गए हैं। और नीचे से पतिदेव जी हम लोगों की फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कर रहे थे। प्लेन उड़ गया ना। बंद दो से चार बंद रहता है।
तब तो फिर दर्शन ही नहीं होंगे। तो हाँ उसको फोन कर देते हैं। तो हम लोग आए हैं मंदिर के अंदर, लेकिन मंदिर जो है वो मंदिर का पट बंद है। और कितने बजे तक बंद होता है? 2 से 4। तो अभी तो हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो बस कुछ देर में घूम के यहाँ से निकल ही जाएंगे। लीजिए कहाँ चले गए? तो पता चला है कि 2 से 3 ही मंदिर का पट बंद होता है, और अभी बस 12:10 से पट बंद हो जाता है। तो अभी हम लोग कुछ देर वेट करेंगे, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं। तो आधे घंटे हम लोग वेट कर लेंगे, उसके बाद दर्शन करके ही जाएंगे, क्योंकि जल्दी फिर आना होता नहीं है। और यहाँ पे शाम के भोग की तैयारी हो रही है। देख सकते हैं खूब सारी सब्जियाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर के कट कर रहे हैं। और मंदिर का पट तो अभी बंद है, लेकिन हम लोग चलते हैं कि और प्रसाद वगैरह ले लेते हैं, नहीं तो फिर और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। अगर प्रसाद वगैरह हम लोग ले करके रखेंगे तो जल्दी ही फिर पट खुलने के बाद दर्शन कर लेंगे। और बहुत सारे लोग इस टाइम पर इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। नारियल है, नारियल, अगरबत्ती, सिंदूर, अच्छा, कपूर, मुकंदाना, फूल, थोड़ा सा छुटकी का फूल, रोड़ी हो गया, सिंदूर हो गया, ठीक है ना? हाँ और गर्मी की वजह से पसीना भी खूब सारा चल रहा था, और काफ़ी वक्त हो गया था फेस को वॉश किए हुए। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा फेस वॉश करने से अच्छा लगेगा, तो मैं बस यहाँ पे फेस वॉश ही कर रही हूँ। तो हम लोग मंदिर के अंदर गए, पूजा अच्छे से कर लिए, दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए सब लोगों के, और अब हम लोग मंदिर से निकल रहे हैं। और ये संजोग हुआ, मेरा ये तीसरा भ्रमण है ये मंदिर का, अकेले, लेकिन पहली बार दर्शन हुआ है। अच्छा, पहली बार दर्शन, इसलिए बोलते मेरे साथ जाया कीजिए। पहली बार दर्शन है कि पुराना मंदिर का ही जीर्णोद्धार। हाँ। हम तो इधर ही रहे। अच्छा अच्छा, पापा रहे हैं रांची में 2 साल, इंटर यहीं से, पापा का इंटर यहीं से हुआ है। पापा 2 साल रांची में रह चुके हैं, उस समय बराबर हम लोग आते थे। अच्छा, पापा जी का पूरा जानकारी है कौन सा चीज कहाँ है। ये देखिए दरवाजे की नक्काशी बहुत ही खूबसूरती से की गई। तो अब हम लोग यहाँ से निकल भी चुके हैं, और जूते वगैरह हम लोग यहाँ पे पहन रहे हैं, और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट जगह पे। क्या हुआ मम्मी? विधानसभा अंदर तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल सकती कि विधानसभा के अंदर जा रहे हैं। रोड बन खराब हो गया,
हम लोग मंदिर से निकलने के बाद आप पहुंचे हैं रांची में धुरवा डैम के पास, और ये डैम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और भीड़ यहाँ पे भी अच्छी खासी देखी जा सकती है। गाड़ी तो अंदर तक जा रही है। तो मंदिर से निकलने के बाद हम लोग गए विधानसभा भवन के आसपास में, वहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह हम लोग क्लिक करवाए। बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ पे नहीं रुक सकते थे और काफ़ी दूर से ही फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने होते हैं और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं धुरवा डैम के पास, और धुरवा डैम जो है यहाँ का बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। और एक तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा था और ऊपर से 25 दिसंबर था, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ देखी जा रही थी। और अभी शाम के टाइम में यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे कैमरे में वो चीज़ कैप्चर नहीं हो सकती थी जो कि आँखों से हम लोग देख पा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, और अगर हमारे पास समय होता तो हम लोग वहाँ पर कुछ देर रुकते, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं था क्योंकि हमें एक जगह पे और भी जाना है। और कहाँ हम लोग फिर से जाएंगे शाम के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे जो है वो कुछ देर अगर बाद हम लोग वहाँ पे जाते तो वो चीज़ हम लोग नहीं देख पाते, इसी वजह से यहाँ से हम लोग जल्दी ही निकल गए हैं। और तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि शाम के टाइम में हम लोग फिर से कहाँ पर गए रांची में। तो इस ब्लॉग को यहाँ पर करते हैं कम्प्लीट और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स।